हमारे इस धरती पर आज भी हजारों लाखों सालों से 8 व्यक्ति है जो आज भी जिंदा है और इसी धरती के अंत तक वो रहेंगे। इन्हीं को अष्ट चिरंजीवी भी कहा जाता है। चलो तो जानते हैं इनके बारे में हमारे चैनल इंडिया के फैक्ट्स पर। हमारे सनातन धर्म के अनुसार इन अष्ट चिरंजीवियों को किसी न किसी कारण की वजह से इनको अमरत्व प्राप्त हो चुका है और इनका उल्लेख रामायण और महाभारत काल के समय में भी मिलता है। इनमें से पहले अष्ट चिरंजीवियों का नाम है राजा बलि। जी हाँ दोस्तों, वही जिसको भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर 3 पगों में ही सारी धरती दान में मांगी थी। अष्ट चिरंजीवियों में दूसरा स्थान ऋषि वेदव्यास का आता है, जिन्होंने वेदों के 4 विभाजन किए और गणेश जी के हाथों महाभारत जैसा प्रख्यात ग्रंथ स्थापित किया। हमारे तीसरे शख्स है, उनका नाम है अश्वत्थामा, जो महाभारत काल में कौरवों की ओर से लड़े थे। इन्हें श्री कृष्ण के श्राप के कारण जंगलों में भटकना पड़ रहा है। हमारे चौथे चिरंजीवी है विभीषण, जो कि लंकापति रावण के छोटे भाई है। इन्होंने सदा ही धर्म का साथ दिया था। हमारे पांचवे चिरंजीवी के बारे में सब लोग जानते हैं, वह सबसे बलशाली है। इनका नाम भगवान हनुमान है, जो कि भगवान शिव के अंश है। इन्हें माता पिता द्वारा चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। चिरंजीवियों में 6 नंबर आता है कृपाचार्य, जो कि हस्तिनापुर के कुरु वंश के कुल गुरु थे। वो अश्वत्थामा के मामा श्री कहे जाते थे। ये अपने तप के कारण बल से चिरंजीवी थे। अष्ट चिरंजीवियों में 7वां नाम है भगवान परशुराम, जिन्होंने 21 बार इस धरती को क्षत्रियों से रहित कर दिया था। इनका उल्लेख रामायण और महाभारत में भी मिलता है। ऐसे ही 8वें स्थान पर यानी कि हमारा आखिरी चिरंजीवी है, वो है ऋषि मार्कंडेय। ऋषि ने भगवान शिव को प्रसन्न करके चिरंजीवी हो गए थे। आज हमने अष्ट चिरंजीवियों के बारे में जाना है। इनका उल्लेख पुराणों और ग्रंथों में भी मिलता है। ऐसे ही पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक तथ्यों को जानने के लिए हमारे चैनल पर आते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।